हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मेरी वीडियो का टाइटल, एज यू हैव सीन, इट्स अबाउट फ्रेनिमीज। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि कौन लोग आपके फ्रेनिमीज होते हैं और आप इनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेनिमी इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्रेंड और एनिमी। फ्रेंड तो क्लियरली आपके वो लोग होते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, लॉयल होते हैं, आपके साथ वो हार्ड टाइम्स में और हैप्पी टाइम्स में इक्वली वो आपके साथ होते हैं। एनिमीज वो लोग होते हैं जो आपके इन फ्रंट ऑफ योर फेस आपसे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं या दे हैव सम क्लैशेस विद यू, सो दे आर योर एनिमीज। लेकिन ये जो थर्ड टाइप है जिसे अभी मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन एंड डिस्कस करने लगी हूँ, इट्स फ्रेनिमीज। और ये सबसे डेंजरस टाइप है, इवन इट्स मोर वर्स देन एनिमी। एनिमी का तो आपको क्लियरली पता होता है कि वो आपके फेस पे आपके साथ लॉयल नहीं है या डिसएग्रीमेंट है या एक क्लैश है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो आपसे आई थिंक आपको ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं, आपसे ज़्यादा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, एंड इट्स द मोस्ट डेंजरस टाइप। आज की वीडियो में मैं आपसे इन फ्रेनिमीज की करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करूंगी कि आप इनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनका जनरल पैटर्न क्या होता है। सो फर्स्टली, ये वो लोग होते हैं जो आपसे एक इंटीमेट कन्वर्सेशन और ट्रस्ट का बॉन्ड बिल्ड करते हैं, और अपेरेंटली ये आपके फ्रेंड्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं कि आपसे एक ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं जैसे अपने कोई सीक्रेट्स शेयर करते हैं या अपनी कोई पर्सनल प्राइवेट बातें आपसे शेयर करते हैं, और ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप उन पे सेम लेवल ऑफ ट्रस्ट शो करें और आप अपनी उनकी प्राइवेट जो भी पर्सनल आपकी बातें आप उनके साथ शेयर करें। और उन बातों में से वो ऐसी बातें पिक करते हैं लाइक आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, सीक्रेट्स हैं, और वो टाइम आने पे उनको यूज़ करते हैं अगेंस्ट यू। सेकेंड थिंग इज़, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज करते हैं। ऐसी बातें जिन पे आपको कॉम्प्लीमेंट जर्नली करना भी नहीं चाहिए, बट टू गेन योर ट्रस्ट। और ऑब्वियसली जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप उसके बारे में अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। सो वो आपसे क्लोज होने के लिए आपको विदाउट एनी रीजंस, और जो कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होते, वो इन फ्रंट ऑफ योर फेस आपको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और इन रियलिटी आपकी बैक पे या इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स वो आपके बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं या आपके नेगेटिव पॉइंट्स दूसरों से डिस्कस या शेयर कर रहे होते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर योर फ्रेनिमी। जबकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको फेस पे, ऑन योर फेस, इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो आपको कुछ कह सकते हैं, बट बिहाइंड योर बैक और दूसरों लोगों के सामने वो हमेशा आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी चीजें कहते हैं। सो दिस इज ऑपोजिट टू योर फ्रेंड्स। थर्ड जो चीज़ वो कॉमनली करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वन, अपने रिलेटिव्स के बारे में इस तरह की कन्वर्सेशन आपसे शेयर करते हैं जो आपको अनईजी फील करवाए या बहुत ही आपको लगे कि ये इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग है या कन्वर्सेशन है। सो आप ये मत सोचिए कि अगर वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के बारे में या दूसरे रिलेटिव्स और लोगों के बारे में इस तरह के थॉट्स रख सकते हैं तो फ्यूचर में वो आपके बारे में भी इस तरह के थॉट्स किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक टाइप की नेचर होती है अगर वो दूसरों के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो यू शुड बी अवेयर, और यही चीज़ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर योर फ्रेनिमीज। जो किसी के बारे में कर सकते हैं वो टाइम आने पर आपके बारे में भी वो सब चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से आपको उसी वक्त डिस्टेंस जब वो दूसरों के साथ करें, और रेदर देन कि आप वेट करें कि कब आपके साथ हो ये सब कुछ, आप उसी टाइम आइडेंटिफाई करें और इस तरह के लोगों से ताल्लुक को मध्यम कर दें या आप उनसे गैप और डिस्टेंस क्रिएट कर लें। फोर्थ जो कॉमनली होता है कि जब भी आप कोई अचीव कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आई है, कोई ब्लेसिंग आई है आपकी लाइफ में, तो वो उसको इंजॉय नहीं करते। वो उसके बारे में आपसे या तो वो जेलस होते हैं या वो कुछ आपके, या तो वो आपकी उस चीज़ पे बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके साथ वो खुश नहीं होंगे, उसको इंजॉय नहीं करेंगे, या फिर वो इस तरह के कमेंट्स उसके बारे में पास करेंगे कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एंड दे विल पास सम मीन कमेंट्स अबाउट इट कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये कोई बहुत छोटी सी बात है। तो इस टाइप की उनकी कन्वर्सेशन और कमेंट्स होंगे। सो आपको क्लियरली उससे पता चल जाना चाहिए कि दे आर नॉट हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, और वो आपकी अचीवमेंट को किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक और चीज़ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर फ्रेनिमीज, दे विल शो पैसिव एग्रेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो लोग हैं और उनका सेम स्टेटस है या सेम रिलेशन है
या इक्वल जॉब पोस्ट है तो वो दोनों में से किसी एक की तारीफ करेंगे और इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग होता है, वो आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे, वो आपके साथ कुछ इवल नहीं कर रहे, लेकिन इसका एक ऑटोमेटिकली मीनिंग होता है अगर आप दो लोग एक ही स्टेटस में हैं तो एक की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफ करना मीन्स आप किसी दूसरे को यू आर मेकिंग इट लोअर देन समवन एल्स और आप उस कंपैरिजन में उसको हर्ट कर रहे हो. सो ये भी एक उनका वे ऑफ हर्टिंग होता है कि वो आपको इस तरह से दूसरों की तारीफें करके हर्ट करते हैं. सेकेंड थिंग इज कि आपके साथ जो भी आपके एनिमीज हैं वो उनके साथ उन्हें प्रेज करना, उनसे रिलेशंस रखना, उनसे ज्यादा क्लोज होना स्टार्ट कर देते हैं. आपकी फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों के साथ होती है जो मेंटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो. तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक बंदे का किसी के साथ डिसएग्रीमेंट है सो आपके फ्रेंड का उसके साथ वो सेम मेंटली डिसएग्रीमेंट ना हो. सो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो वो आपके सामने उसकी बहुत तारीफ करेंगे या वो आपके सामने उसके क्लोज होंगे. सो दिस इज द स्टेज आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो दोनों के साथ एट द सेम टाइम अच्छा नहीं हो सकता. अगर वो उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है और उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है सो इन शॉर्ट ही और शी इज योर फ्रेनिमी. फिर वो ऐसे लोग आपके साथ डेलिब्रेट मिस्टेक्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. जैसे आपने उनके साथ कोई सीक्रेट शेयर किया तो वो सीक्रेट वो अपने लाइक किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में बता देंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि आपकी एक समथिंग इज वेरी प्राइवेट और आप उसको ग्रुप ऑफ पीपल के सामने महफिल में उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, तो वो लाइक वो मिस्टेकनली वो शो ऐसा करेंगे कि वो बाय मिस्टेक उन्होंने वो शेयर कर दिया और उस कन्वर्सेशन में भी वो आपके साथ हमदर्दी शो करेंगे और जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ इस तरह से बात है उसके खिलाफ बोल रहे होंगे. बट इन रियल वो आपकी ऐसी बातें ऐसे टॉपिक पब्लिक में लेके आ रहे हैं या लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो आई थिंक आप उसके बारे में कंफर्टेबल ना हो और आपके लिए आपकी इमेज के लिए वो नुकसानदेह हो. सो और वो बाद में आपसे शायद अपोलोजाइज भी कर लें कि ये मैंने डिस्कस कर दिया और ये बाय मिस्टेक मैंने कर दिया. सो दीज आर नॉट मिस्टेक्स, दीज आर डेलिब्रेट मिस्टेक्स. वो जान के ऐसा करते हैं और वो आपके इमेज को स्पॉइल कर रहे होते हैं. एक और चीज जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर योर फ्रेनिमीज एंड नॉट योर फ्रेंड्स, वो आपको फेक ऑफर्स या फेक फेवर्स देंगे. फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें वो आपको ऑफर करेंगे जो जिसके बारे में उन्हें श्योरिटी हो कि आप ये ऑफर अवेल नहीं करेंगे, और या फिर ऐसी ऑफर आपको देंगे जो कि इन फ्यूचर आपको एक काइंड ऑफ देंगे कि इन फ्यूचर हम आपका ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे और आपको ट्रैप करके आपसे वक्ती फायदा लेंगे. सो बी अवेयर ऑफ दीज ऑफर्स, दीज फेक फेवर्स. और कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा स्वीटनेस, एक्स्ट्रा ऑफर्स, एक्स्ट्रा फेवर्स दे तो आप उसके बारे में जरूर कॉशियस हों कि वाई ही और शी इज डूइंग दिस. Being good is nice, but giving so many fake favors of offers या ऐसी चीजें करना, for example आपके ऐसा आप पे trust show करना, आपके secret passwords ले लेना, आपकी property की कोई information ले लेना, आपकी sensitive कोई ATM card की information ले लेना, आप पे इतना ज्यादा trust develop करके ये सारी चीजें आपसे ले लेना और आपको इस तरह से hypnotize कर देना, these are your fake friends and frenemies. And they are the worst type of people जो आपको in future ये सारा आपका data use करके आपके password, आपके credit card के passwords या आपकी property details और personal इस type की details को वो use कर सकते हैं और आपको इससे I think बहुत बड़े level का नुकसान भी हो सकता है. एक और चीज़ जो वो आपके साथ करेंगे वो आपके real जो friends हैं या आपके parents हैं उनसे आपको दूर करेंगे, उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको हर बुरे काम से या ऐसे काम से रोकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है. और इस तरह के टाइम पे आपको वो लोग अच्छे लग रहे होते हैं जो आपको फेवर करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं कि आप ये काम कर लो. और इन द लॉन्गर टर्म जो आपके लॉयल पीपल होते हैं लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पता होता है कि ये इन फ्यूचर इसका ये नुकसान हो सकता है तो वो उस टाइम पे आपको रोक रहे होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं जैसे, वो आपको कहते हैं कि आपने पढ़ना है या सर्टेन रूटीन को फॉलो करना है या ऑर्गेनाइज होना है या डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वो आप पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि इस सोसाइटी में नहीं जाना, इतनी देर तक बाहर नहीं रहना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो आपसे करने को कह रहे होते हैं और इट्स गुड फॉर यू इन लॉन्गर टर्म. लेकिन आपको एक बंदा कह रहा है कि मत पढ़ो, सोए रहो, सुबह मत काम करो, या आपको इस तरह से ट्रैप कर रहा है कि आपको उन फ्रेंड्स के पास जाने दे रहा है या उन गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने पे इनकरेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होगे और आपको लगेगा कि जैसे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स या आपके रियल जो फ्रेंड्स हैं वो आपके एनिमीज हैं और ये जो बंदा आपको उस चीज में फेवर कर रहा है ये आपका फ्रेंड है. सो दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर रियली योर फ्रेनिमीज. और लास्टली जो मैंने बहुत कॉमन चीज देखी है जिससे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो इस तरह से कि आपको वो कहेंगे कि आप हमारी बहन हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बेटे हो, आप हमारी बेटी हो. सो इन सारे रिलेशंस का नाम लेके भी आपको बहुत एक्सप्लॉइट आजकल किया जाता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहन भाई और जो अल्लाह ताला ने आपके रिलेशंस बना दिए हैं वही आपके रियल रिलेशंस हैं. आप बींग अ कुलीग, आप बींग अ फ्रेंड, आप बींग सीनियर या एल्डर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आप उनको करें. बट अगर आपको कोई कहता है कि आप हमारे बेटे हो और आपसे वो सर्विसेज लेना चाहता है या आपको वो किसी सर्टेन पर्पज़ के लिए आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहता है और वो आपको कह रहा है कि तुम तो मेरे बिल्कुल बेटे या बेटी की तरह हो, सो नो इट्स नॉट ट्रू. कभी भी वो आपको आपकी प्रॉपर्टी अपनी आपके नाम नहीं करेगा, कभी भी वो सारी फैसिलिटीज जो वो अपने बच्चों को दे रहा है, एजुकेशन, क्लोथिंग, फूड, लग्जरीज जो उनकी डेली लाइफ की हैं, वो आपको नहीं देगा. सो इट्स आई थिंक वेरी इनअप्रोप्रिएट. और ये यूज़ करने का एक तरीका होता है या काम निकलवाने का एक तरीका होता है कि वो आपको कह रहे हैं कि आप हमारा बेटा हो या बेटी हो. सो इन रियल अपना जो बेटा होता है वही बेटा होता है, क्योंकि आपने एज अ पेरेंट आपने सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए करनी है. एक भी चीज़ वो जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं वो उनमें से आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे. जस्ट दे आर बींग नाइस टू यू, दे से गुड वर्ड्स टू यू और वो आपको अपना बेटा बना के आपको यूज़ करेंगे या बेटी बना के. सो बी अवेयर कि आप किसी के भी बेटे नहीं हो, आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो, बट इन सारी चीज़ों में आप यूज़ नहीं हो. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई ऑब्जर्व. और अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहें डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. आई होप यू लाइक दिस टॉपिक और आप इसके बारे में इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह से फ्रेनिमीज आपको हर्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. Do let me know in the comments. Do subscribe and like to my channel. Allah Hafiz.